देखें, पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल पार्टी को नहीं दी गई। पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। पीडीएम एक मकसद के लिए था, एक बयानिया था, अगर आप उसके एतमाद वहां पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं है। सबसे पहले अगर पीडीएम में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। सर, अगर पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में शामिल हो जाती है तो क्या आप सेक्रेटरी जनरल को उनसे इस्तीफा देंगे? पीडीएम के अंदर वो खुद शामिल नहीं हो सकते, पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे तो शामिल होंगे। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। तो सर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बता देते मामले को रफा दफा कर देना चाहिए, बात बढ़ती से बढ़ती जा रही है। वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। देखें, पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल पार्टी को नहीं दी गई। पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। पीडीएम एक मकसद के लिए था, एक बयानिया था, अगर आप उसके एतमाद वहां पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं है। सबसे पहले अगर पीडीएम में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। सर, अगर पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में शामिल हो जाती है तो क्या आप सेक्रेटरी जनरल को उनसे इस्तीफा देंगे? पीडीएम के अंदर वो खुद शामिल नहीं हो सकते, पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे तो शामिल होंगे। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। तो सर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बता देते मामले को रफा दफा कर देना चाहिए, बात बढ़ती बढ़ती से बढ़ती जा रही है? वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।